हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माय मदर एड 66 का एक सेंट्रल आइडिया जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेंट्रल आइडिया के इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांसेस है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए, हमने बहुत ही आसान तरीके से ये लिखा है और मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। तो देखिए, इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक का तो टारगेट पूरा करा ही देना। देखिए, किसी भी पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखने का बेसिक तरीका यह है कि सबसे पहले लिखेंगे द पोयम, ठीक है। द पोयम लिखने के बाद ब्लैक पेन से लिखेंगे पोयम का नाम। पोयम का नाम लिखने के बाद लिखेंगे इज कंपोज्ड बाय लिखने के बाद लेखक का नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहां तक लिखने के बाद उसका सेंट्रल आइडिया आगे लिख सकते हैं। तो देखिए, द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज बाय एन इंडियन पोएट कमला दास, ठीक है। द पोयम कविता माई मदर मेरी माता की एट 66 66 वर्ष की इज है कंपोज रचित बाय द्वारा एंड इंडियन पोएट भारतीय कवि कमला दास के द्वारा। 66 वर्ष की मेरी माँ की कविता एक भारतीय कवि कमला दास द्वारा रचित है, ठीक है। द पोएटिसिस फील्स फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, ठीक है। द पोएटिसिस कवियत्री फील्स महसूस करती है फियर डर ऑफ लॉसिंग खोने का हर मदर अपनी माता को। कवियत्री अपनी माता को खोने का डर महसूस करती है। बिकॉज हर मदर इज वेरी ओल्ड, बिकॉज क्योंकि हर मदर उसकी माता इज है वेरी बहुत ओल्ड बूढ़ी, क्योंकि उसकी माता बहुत बूढ़ी है। इट सीम्ड दैट सी विल डाई सून, इट सीम्ड ऐसा लगता है कि सी मीन्स वह विल डाई सून जल्द मर जाएगी, ऐसा लगता है कि वह जल्द मर जाएगी। उसके बाद इस पे आगे लिखेंगे सी गेट्स स्केर्ड ऑफ दिस थॉट, सी मीन्स वह गेट स्केर्ड डरती है ऑफ दिस थॉट इस विचार से, वह इस विचार से डरती है टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट, टू कम आउट बाहर आने के लिए फ्रॉम से दिस नेगेटिव थॉट इस नकारात्मक विचार से, इस नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए। सी लुक्स आउटसाइड ऑफ कार, सी मीन्स वह लुक्स देखती है आउटसाइड बाहर की ओर ऑफ कार कार से, वह कार से बाहर की ओर देखती है। सी लुक्स यंगस्ट्रीज रनिंग वेरी फास्ट, सी मीन्स वह लुक्स देखती है यंगस्ट्रीज को रनिंग दौड़ते हुए वेरी फास्ट बहुत तेज, वह यंगस्ट्रीज को बहुत तेज दौड़ते हुए देखती है। यानी कि जब वह कार से बाहर की ओर देखती है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यंगस्ट्रीज बहुत तेजी से दौड़ रहा है, ठीक है। देखिए, हैप्पी चिल्ड्रन खुश बच्चे हुमिंस जो आ रहे हैं कमिंग आउट बाहर आ रहे फ्रॉम से डियर होम्स अपने घरों से, खुश बच्चे अपने घरों से बाहर की ओर आ रहे थे, ठीक है। एट एयरपोर्ट आफ्टर सिक्योरिटी चेक सी लुक्स एट हर कलरलेस पेल फेस, एट एयरपोर्ट एयरपोर्ट पर आफ्टर बाद में सिक्योरिटी चेक के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद में सी मीन्स वह लुक्स देखती है एट हर उसको किसे अपनी माता को कलरलेस बेरंग पेल फेस मुरझाया हुआ, वह फिर से उस बेरंग मुरझाए हुए चेहरे को देखती है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखेंगे सी बिकम्स वेरी सैड, सी मीन्स वह बिकम्स होती है वेरी सैड बहुत दुखी, वह बहुत दुखी होती है, ठीक है। व्हाट सी हाइड्स हर फीलिंग्स, व्हाट लेकिन सी मीन्स वह हाइड्स छुपा लेती है हर फीलिंग्स अपनी भावनाओं को, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छुपा लेती है। यानी कि वह बहुत दुखी होती है लेकिन अपनी भावनाओं को छुपा लेती है, ठीक है। एंड मिस और साइड टू हर मदर सी सोन अम्मा, साइड कहती है टू हर मदर अपनी माता से, वह अपनी माता से कहती है सी सोन जल्द मिलते हैं अम्मा माँ, और अपनी माता से कहती है जल्द मिलते हैं माँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक का तो टारगेट पूरा करा ही देना। देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।